हेलो दोस्तों, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पांच सबसे अच्छा 4K स्मार्ट टीवी 60,000 रुपए के अंदर। अगर आप एक नया 4K स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट 60,000 रुपए है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कौन सा 4K स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट होने वाला है 60,000 रुपए के अंदर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें जो स्मार्ट टीवी है वो LG की तरफ से है। उसका नाम है LG 4K स्मार्ट LED टीवी। ये स्मार्ट टीवी आता है 55 इंच का 4K डिस्प्ले के साथ और आपको इसे मिलता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और आपको इसे मिलता है गेम ऑप्टिमाइजर और डैशबोर्ड। उसके साथ आपको इसे मिलता है HDR 10 Pro और एक्टिव HDR को और आपको इसे मिलता है 4K LED पैनल। और ये टीवी आता है 20 वाट के स्पीकर के साथ और आपको इसे मिलता है डुअल चैनल स्पीकर। और स्पीकर आता है AI साउंड, वर्चुअल सराउंड 5.1, ऑटो वॉल्यूम लेवलिंग के साथ। और आपको इस टीवी में मिलता है A5 Gen 5 का AI प्रोसेसर, उसके साथ बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0। और ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ सराउंड रेडी को और आपको इसे मिलता है एप्पल एयरप्ले 2 और होम किट। आप पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिल जाएगा 3 HDMI और 2 USB पोर्ट। अब OS के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है OS। अब एप्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिल जाएगा एप्पल टीवी, सोनी लिव, डिजनी प्लस हॉटस्टार और भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टीवी आता है 8GB का स्टोरेज और 1.5GB का रैम के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो LG का स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 51,500 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अगर आपको LG का स्मार्ट टीवी चाहिए और हमारे इसमें दिखाए गए किसी भी और स्मार्ट टीवी के बारे में चेक करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उन सबका बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से खरीदते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी स्मार्ट टीवी खरीदना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। अब इसके बाद जो स्मार्ट टीवी है वो रेडमी की तरफ से है। उसका नाम है रेडमी 4K एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। ये स्मार्ट टीवी आता है 65 इंच का 4K डिस्प्ले के साथ और आपको इसे मिलता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। उसके साथ आपको इसे मिल जाएगा 4K LED पैनल जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन, HDR 10 प्लस, HLG, रियलिटी फ्लो, विविड पिक्चर इंजन और मेमको। और ये एक एंड्रॉयड टीवी है। आपको इसे मिल जाएगा एंड्रॉयड टीवी 10 जो कि आता है पैचुअल 4 के साथ, उसके साथ क्वाड कोर प्रोसेसर, बिल्ट इन वाईफाई, क्रोमकास्ट और ये सपोर्ट करता है गूगल वॉइस असिस्टेंट को और आपको इसे मिलता है लो लेटेंसी मोड। और ये टीवी आता है 2GB का रैम और 16GB का स्टोरेज के साथ। उसके साथ आपको इसे मिल जाएगा मीरा कास्ट। अब ऐप के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिजनी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब और भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अब पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 2 USB पोर्ट, 1 ईथरनेट पोर्ट और 3 HDMI पोर्ट। और ये टीवी आता है 30 वाट के स्पीकर के साथ जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी ऑडियो और DTX वर्चुअल एक्स को। अब प्राइस के बारे में बात करें तो रेडमी का 4K स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 60,000 रुपए के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो स्मार्ट टीवी है वो सोनी की तरफ से है। उसका नाम है सोनी ब्राविया स्मार्ट LED गूगल टीवी। ये टीवी आता है 50 इंच का 4K डिस्प्ले के साथ और आपको इसे मिलता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री का वाइड व्यूइंग एंगल। और ये टीवी आता है 4K प्रोसेसर X1 के साथ। उसके साथ आपको इसे मिलता है ब्यूटीफुल कलर, कॉन्ट्रास्ट और फाइन डिटेल्स। और ये टीवी सपोर्ट करता है 4K X Reality Pro को, जिससे कि सारे वीडियोस 4K में अपस्केल हो जाता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। उसके साथ आपको इसे मिलता है 4K HDR। और ये टीवी आता है 20 वाट के स्पीकर के साथ जो कि आता है क्लियर फेस के साथ, जिससे कि आपको प्योर और नेचुरल साउंड मिलता है। और एक गूगल टीवी है, आपको इसे मिलता है एंड्रॉइड 11, उसके साथ गूगल वॉइस असिस्टेंट। और ये टीवी आता है किड्स मोड के साथ। आप कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है ब्लूटूथ 5, बिल्ट इन वाईफाई, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट। और ये टीवी आता है 2GB के रैम और 16GB का स्टोरेज के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो सोनी का स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 58,000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो स्मार्ट टीवी हमारे लिस्ट में है वो सैमसंग की तरफ से है। उसका नाम है सैमसंग द फ्रेम सीरीज 4K स्मार्ट QLED टीवी। ये टीवी आता है मॉडर्न फ्रेम डिजाइन के साथ, जिसको आप फोटो फ्रेम के जैसे कहीं भी लगा सकते हैं। और उसके साथ आपको इसमें कस्टमाइजेबल फ्रेम भी मिलता है, जिससे कि और भी फोटो फ्रेम जैसे लगता है। और ये टीवी आता है 43 इंच का 4K QLED पैनल के साथ और आपको इसे मिलता है 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। उसके साथ आपको इसे मिलता है मैट डिस्प्ले, 1 बिलियन कलर और 100% कलर वॉल्यूम विद क्वांटम डॉट। और आपको इसे मिलता है 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल। और ये टीवी आता है डुअल LED और AI अपस्केल के साथ। आप कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है काफी सारे मिररिंग का ऑप्शन, उसके साथ DLNA, टैब व्यू, म्यूजिक वॉल, मोबाइल कैमरा सपोर्ट, उसके साथ 360 वीडियो प्लेयर और 360 कैमरा सपोर्ट। और इस टीवी को सेटअप करना बहुत ही आसान है। और आपको इसे मिलता है ऐप कास्टिंग, टीवी साउंड टू मोबाइल, साउंड मिररिंग, एम्बिएंट मोड प्लस, वायरलेस डेक्स और ब्लूटूथ लो एनर्जी और वाईफाई डायरेक्ट। आप कनेक्टिविटी के बारे में बात करें
तो आपके साथ मिलता है बिल्ट इन वाईफाई, ब्लूटूथ, इथरनेट पोर्ट, 3 HDMI और 2 USB पोर्ट। और आपको इस टीवी में 20 वाट का स्पीकर मिलता है जो कि आता है 2 चैनल के साथ और ये सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस, सराउंड साउंड, एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर और एडाप्टिव साउंड प्लस के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो सैमसंग का स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 59,000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद हमारे इसका नंबर एक स्मार्ट टीवी बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 99% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप आगे भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्रिप्शन एकदम ही फ्री है। अब सबसे आखिर में नंबर एक पे जो स्मार्ट टीवी है वो वू की तरफ से है, उसका नाम है वू द ग्लोलेट सीरीज 4K स्मार्ट गूगल टीवी। ये टीवी आता है 65 इंच का 4K डिस्प्ले के साथ जो कि सपोर्ट करता है 60Hz का रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 5 GHz का वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 और आपको इस टीवी में मिलता है 104W का DJ साउंड जो कि आता है बिल्ट इन सबवूफर के साथ और ये सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस और आपको इसे मिलता है फुल रेंज 4 स्पीकर जो कि सराउंड साउंड और बेस बूस्ट दे देगा। और एक एंड्रॉइड टीवी है, आपको इसे मिलता है एंड्रॉइड 9 और आपको इस टीवी में मिलता है वॉच लिस्ट, किड्स मोड, गूगल प्ले स्टोर, हैंड फ्री माइक, एक्टिव रिमोट कंट्रोल और हॉट की जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए और बिल्ट इन क्रोमकास्ट। और ये टीवी आता है कुछ स्मार्ट फीचर्स के साथ जैसे कि 4K ग्लो पैनल और 94% NTSC कलर वॉल्यूम, डॉल्बी विजन, HDR10+ HLG, AI PQ इंजिन, डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल, एम्बियंट लाइट सेंसर, मेम्स, मोशन इनहेंसर, डिजिटल नॉइस रिडक्शन, एक्टिव कॉन्ट्रास्ट, एडवांस क्रिकेट मोड और सिनेमा मोड और गेमिंग मोड तो है ही। और इस टीवी में आपको मिल जाएगा 2GB का रैम और 16GB का स्टोरेज। अब प्राइस के बारे में बात करें तो वू का 4K स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 55,000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। सबसे आखिर में बात करें कौन सा स्मार्ट टीवी आपको लेना चाहिए, अगर आप 60,000 रुपये के अंदर सबसे बड़ा डिस्प्ले और पावरफुल साउंड चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए वू का 4K स्मार्ट टीवी, क्योंकि आपको इसे मिलता है 65 इंच का बड़ा सा 4K डिस्प्ले और ये आता है 104W के स्पीकर के साथ जिससे कि आपको बहुत ही लाउड साउंड मिलता है और एक एंड्रॉइड टीवी है और आपको इसमें ढेर सारा फीचर्स भी मिलता है। तो अगर आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले और पावरफुल साउंड चाहिए तो आप ले सकते हैं वू का 4K स्मार्ट टीवी, लेकिन अगर आपको 60,000 रुपये के अंदर एक फैंसी टीवी लेना है और सबसे अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए तो आप ले सकते हैं सैमसंग का स्मार्ट टीवी, क्योंकि आपको इसे मिलता है मॉडर्न फ्रेम डिज़ाइन जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। आप इस टीवी को कहीं भी लगा सकते हैं, जो भी इसको देखेगा उसको लगेगा कि नॉर्मल फोटो फ्रेम है और आप इसका फ्रेम को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके साथ आपको इसमें सैमसंग का QLED डिस्प्ले भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, ये बस 43 इंच का है लेकिन ये देखने में काफ़ी अच्छा है। और एक एंड्रॉइड टीवी नहीं है, आपको इसे मिलता है टाइजन OS लेकिन फिर भी सारे ऐप को सपोर्ट करता है और आपको इसमें ढेर सारा स्मार्ट फीचर्स मिलता है। तो अगर आप एक फैंसी टीवी लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए सैमसंग का स्मार्ट टीवी। तो यही था हमारे लिस्ट का 5 सबसे अच्छा 4K स्मार्ट टीवी 60,000 रुपये के अंदर। आपको इन सारे स्मार्ट टीवीज का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके किसी भी टीवी को चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है, आप 35,000 रुपये के अंदर बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए कौन सा स्मार्ट टीवी आपको लगता है बेस्ट है 60,000 रुपये के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।